अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ नेगेटिव लगी है वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगा, ठीक है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, आगे बताऊँगा मैं आपको। 125 सीसी के सेगमेंट में अगर एक बेस्ट स्मार्ट स्पोर्ट बाइक की बात की जाए तो टीवीएस की रेडर जो है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी कह सकते हैं कि ये बाइक जो है इस सेगमेंट में डे बाय डे लीडर बनती चली जा रही है, क्योंकि इस बाइक में आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक्स आती हैं उनमें आपको ये वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। एक सेंटेंस में वो एडिशनल फीचर्स जान लेते हैं, जैसे कि इस बाइक में आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि एक कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और इसमें एक और वेरिएंट आता है जो कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट के नाम से आता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आराम से आप उसमें मैप वगैरह देख सकते हो। और इसका जो डिज़ाइन है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है राइडर और प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, DRL मिलते हैं, और इसी के साथ साथ फुल LED टेल लाइट मिलती है। ये तो मैंने आपको वो फीचर्स बता दिए जो कि इस बाइक में आपको एडिशनल मिलते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इस बाइक में आपको 3-वॉल्व इंजन मिलता है, जिसकी वजह से जो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है इस सेगमेंट में अदर बाइक से सबसे अलग है। लेकिन ये परफॉर्मेंस चेक कैसे होगी? इस बाइक को चलाकर ही चेक होगी ना। तो आज की इस वीडियो में इस बाइक की प्रॉपर राइड लेने वाला हूँ, और मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ में शेयर करूँगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर किए देता हूँ कि मैं किन किन टॉपिक पर बात करूँगा। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा, इसकी हैंडलिंग के बारे में बात करूँगा, इसके कम्फर्ट के बारे में बात करूँगा, सस्पेंशन कैसे हैं, हाईवे पर भी राइड करूँगा, ट्रैफिक में भी राइड करूँगा, सिटी में भी राइड करूँगा, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, सिटिंग कैसी है, कंफर्टेबल है या नहीं है, टर्निंग रेडियस कितना मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि आप भी अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हो अपने लिए, तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आई हो तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से 125 सीसी के सेगमेंट पे एक बेस्ट बाइक की राइड के साथ। आइए गाइस, अब इस बाइक की राइड लेते हैं। सबसे पहले तो मैं हेलमेट लगा लेता हूं। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई भी 2-व्हीलर चलाएं तो प्लीज हेलमेट लगाकर ही चलाएं, और उसमें भी एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है, ये वाला जो लॉक होता है प्लीज आप इसको जरूर लगा लीजिएगा। आइए चलता हूं, बाइक अपनी रेडी है, आइए राइड स्टार्ट करते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ जिस तरीके से होती है, इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ किए देता हूँ। इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, मोड्स देख सकते हो, इको एंड पावर, एवरेज देख सकते हो, और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर हेलमेट इंडिकेट भी करता है। आप मेरी हाइट से अपनी हाइट का भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी हाइट जो है लगभग 5.6 इंचेस के आसपास है, और आराम से मेरे पैर आ रहे हैं। इस बाइक में आपको साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इसका टर्निंग रेडियस देखता हूँ, एक छोटी सी जगह मैं इसको टर्न करता हूँ। ओके, थोड़ी सी जगह में ये बाइक टर्न हो जाती है। अभी मैं राइड कर रहा हूँ इसके स्पोर्ट मोड पर। इको मोड पर भी चेक करेंगे और स्पोर्ट मोड पर भी चेक करेंगे। मैंने इसमें इको मोड लगा लिया है, तो अलग से समझ में आ रहा है कि भाई इको मोड पर ये बाइक है। परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, ये देखना, ये देखो गजब, अलग से समझ में आता है भाई इको एंड पावर। ये तो मैंने अभी इसको शॉर्ट राइड में चेक किया है, आइए आगे देखते हैं लॉन्ग राइड में ये किस तरीके की परफॉर्म करती है। हैंडलिंग की अगर बात की जाए तो इसकी जो हैंडलिंग है काफ़ी अच्छी है,
एक चीज़ इस बाइक में बहुत बेहतर है, इस बाइक में आपको SBD मिलता है, इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब भी रियर वाला ब्रेक अप्लाई करता हूँ, फ्रंट वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली लगता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से क्या है, बाइक जो है स्किड होने के चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब ये वैसे तो टेक्नोलॉजी सभी बाइक्स में आने लगी है, CBS मिलता है अदर बाइक्स में, IBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। TVS ने अपना अलग नाम दिया है SBT, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। चलिए भाई, काम तो वैसे ही करनी है। सिटी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसकी सिटी में काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। सिटिंग कंफर्ट की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, इसकी वजह से राइडर के लिए प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट है, ठीक है। लेकिन उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितनी की अदर बाइक्स की होती है। काफ़ी चौड़ी भी है, काफ़ी लंबी भी है। चलिए अब हाईवे पर चलते हैं। गजब, इनिशियल एक्सेलरेशन तो काफ़ी अच्छा है, मिड भी काफ़ी अच्छा है, टॉप एंड इसका मैं हाईवे पर चेक करूंगा। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। 125cc के सेगमेंट में ये पहली ऐसी बाइक है, मैं मिड रेंज की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है रियर में, ये काफ़ी अच्छी बात है। इंजन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 124cc का कुछ पॉइंट पर कुछ इंजन की पावर है, क्योंकि इसमें इंजन मिलता है। इसका इंजन जो है सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड है, BS6 Fi 4-stroke 3-valve इंजन मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है 11.2 BHP की है, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो भी 11.2 Nm का ही है। तो इंजन से पावर और टॉर्क काफ़ी बेहतर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस हो जाती है हाईवे, सिटी एंड ट्रैफिक में काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये तो ऑन पेपर हो गया, आइए चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस हाईवे पर कैसी है। ये देखो भाई, उल्टे उल्टे चले जा रहे हैं हाईवे पर। ओवरटेक की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतर रहता है इसका ओवरटेक। अच्छा, मिड में ये बाइक जो है पूरी की स्ट्रगल करती है 4000 से लेकर 6000 RPM के बीच में। और अभी आप देखिए बाइक जो है पावर मोड पर चल रही है, और यहाँ पर आप देखिए इसका जो RPM है, धीरे धीरे इसका RPM बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ नेगेटिव लगी है, वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, आगे बताऊँगा मैं आपको। जब 6000 RPM के बाद ये बाइक जो है एकदम से रॉकेट हो जाती है, एकदम से भागती है। लेकिन 4000 से लेकर 5000 6000 RPM के बीच में ये बाइक जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। सेटिंग कंफर्ट इसका काफी बेहतर है। जब गियर की बात कर लेते हैं, गियर अटकते हैं नहीं अटकते? नहीं गैस, इसमें गियर बिल्कुल भी नहीं अटकते हैं। इस बाइक में आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो इस वजह से आप आराम से इससे गड्ढों वगैरह में से निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गजब, थोड़ा ईगो पर भी चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई, अलग से पता लगता है कि ईको मोड पर ये बाइक चल रही है, जैसे ही पावर लगाते हैं। ओ भाई गजब, इसके जो मोड्स हैं वाकई में काम करते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने फर्जी में दे दिए हैं, वाकई में ये मोड्स काम करते हैं। ये देखिए ईको मोड पर है,
एक्सीलेटर मैं फुल दिए हूँ, धीरे 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 बढ़ रही है और जैसे ही पावर लगाता हूँ वैसे ही एकदम से ओके गजब। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका मीटर नहीं चलता है क्या, मीटर गाड़ी का ख़राब है। नहीं भाई, इसका कनेक्शन हटा देते हैं। रीज़न आप समझ ही गए होंगे, क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप भी समझदार हो। हाँ जी, जो मुझे इस बाइक में नेगेटिव पॉइंट लगा था वो मैं अब आपके साथ में शेयर करता हूँ। इस बाइक में वाइब्रेशन है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितने कि वाइब्रेशन नाम से लोग डर जाते हैं कि भाई वाइब्रेशन है। नहीं भाई, उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन वाइब्रेशन है, ये ज़रूर आप जान लीजिएगा। और इसका जो वाइब्रेशन है वो इसके पैरों पर फील नहीं होता है, इसके हैंडल पर फील होता है। तो ये तो हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट। गियर वगैरह नहीं अटकते हैं, बाइक चलने में एकदम मक्खन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेटिंग तो इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है राइडर के लिए भाई, वास्तव में। एक बात और, ये बाइक जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करती है चलते टाइम पर। इस बाइक में आपको एक और एडिशनल फीचर मिलता है, ये देखिए यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये बाइक जो है टोटल 3 वेरिएंट में आती है। आप इस बाइक को डिस्क में भी ले सकते हो, ड्रम में भी ले सकते हो, और इसमें एक और वेरिएंट आता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के नाम से, जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसमें आपको पूरा का पूरा मीटर ही अलग मिलेगा। एक चीज़ की और भी कमी मुझे इसमें लगी है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं अभी डायरेक्ट सनलाइट में हूँ। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कंपनी ने इसमें फुली कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, जिसकी वजह से ये उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है जितना कि नेगेटिव वाले जो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आते हैं। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखना चाहते हैं उसको आपको फोकस करके देखना पड़ेगा, तब वो आपको इजिली विजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि इजिली विजिबल आपने देख लिया और आपको विजिबल हो जाए, ऐसा नहीं है भाई। जो बात है सो बात है, जो प्लस पॉइंट है जो नेगेटिव पॉइंट है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑनेस्टली, ऐसे कि जैसे कि मैं इस बाइक को खुद ही खरीद रहा हूँ। भाई देखो, आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, लाख सवा लाख रुपए आप डालोगे किसी भी बाइक को लोगे तो आपको उस बाइक के प्लस और नेगेटिव दोनों पता होने चाहिए। पर अपना काम बताने का है तो मैं आपको ऑनेस्टी से बता ही रहा हूँ भाई। परफॉर्मेंस के मामले में तो अल्टीमेट है ये बाइक, नो डाउट। इसका ब्रेकिंग सिस्टम मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा है, इसका रेशियो मुझे ज़्यादा लग रहा है अदर बाइक के कंपैरिजन में। जैसी मैं रियर वाला ब्रेक अप्लाई करता हूँ आगे वाला ऑटोमेटिकली ज़्यादा रेशियो में लगता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 55-45 के रेशियो में लगता हो, अदर बाइक्स में 30-70 या फिर 60-40 रहता होगा। देखो भाई, रियल लाइफ टेस्टिंग की बात ही अलग होती है और रियल लाइफ रिव्यू की बात ही अलग होती है। अभी तक मैंने आपको खड़े खड़े बाइक्स के रिव्यू दिए, ठीक है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप रियल लाइफ रिव्यू भी दिया करिए, टेस्ट राइड करके भी दिया करिए, ठीक है भाई, आपकी जैसी इच्छा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, इसका जो हैंडल है वो 125 सीसी के अकॉर्डिंग इसका हैंडल मुझे थोड़ा सा हैवी लगा है। आइए गाइस, अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ, जिसमें मैं आपको अपना ऑनेस्टली रिव्यू दूंगा और अपना ऑनेस्टली ओपिनियन भी दूंगा। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा नीलम TVS को, जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। इनका ये TVS का शोरूम उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। यदि आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर TVS की सभी बाइक्स ऑल टाइम अवेलेबल रहती हैं। यदि आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, यह आपको जल्द से जल्द अवेलेबल भी करा देंगे। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SST YouTube चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं,
हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हेलमेट निकाल लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक से कई किलोमीटर की राइड कर ली है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके प्लस पॉइंट भी बता दिए हैं, नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए हैं। आइए अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती हैं उन सभी में से इसकी जो परफॉर्मेंस है लिटरली गाइस अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, इसकी वजह से ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है राइडर के लिए, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से इसकी हाईवे राइड भी बेहतर हो जाती है, ट्रैफिक राइड भी बहुत बेहतर हो जाती है और सिटी राइड भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बाइक जो है 100% रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इस बाइक को प्लान मत करिएगा इसके सभी फीचर्स को जाने बिना। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वॉक अराउंड किया है जिसमें मैंने आपको सभी फीचर्स के बारे में बताए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इम्पॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।